देश में न्यूज के साथ मैं हूँ रूहानी। देश में एक बार फिर विरोध देखने को मिला और सियासी खेमे में भी हलचल हुई, क्योंकि सियासी खेमा कहीं ना कहीं सियासत करना बाज नहीं आया। अब सियासी खेमे का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी जो अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि नागरिकता संशोधन जो कानून है वो कहीं ना कहीं जो है देश को बांटने की राजनीति कर रहा है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, बहुत बड़ा सवाल था। हालांकि नागरिकता संशोधन बिल की कॉपी तक फाड़ दी असदुद्दीन ओवैसी ने, लेकिन अब जो है राष्ट्रपति भवन में जिस तरह से तमाम लोगों को सम्मानित किया गया जिन्होंने समाज के लिए कुछ कार्य किए थे, उस पर एक सवाल या निशान खड़ा होता है कि आखिरकार शाहीन बाग में जिस तरह से विरोध की आग जो है अभी भी भड़की हुई है, जिस तरह से तमाम महिलाएं विरोध प्रदर्शन कर रही है, क्या उस पर जो है अब चुप्पी तोड़ी जाएगी कि देश में एक तरफ जो है सम्मान मिल रहा है और देश में एक तरफ जो है बांटने की राजनीति हो रही है। तस्वीरें आपको जम्मू से दिखा रहे हैं, हिंदुस्तान का तिरंगा लिए हुए तमाम लोग यहाँ पर एक सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार शाहीन बाग में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम को पद्म भूषण मिला और कहना हमने उनसे जाने की कोशिश की, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि पूरे जम्मू कश्मीर के लिए सम्मान है। ये वो तस्वीर है मुजफ्फर हुसैन बेग साहब की। अब अशोक जी से बात करेंगे, सर शाहीन बाग सियासत का अड्डा क्यों बन रहा है? क्योंकि शाहीन बाग के पीछे सोच पाकिस्तान की है। तरहीद जैसा व्यक्ति जो बताया गया कहाँ से आया, कैसे आया, किस किस स्थान पर गया, वो असम को अलग करने की बातें करना चाहता है, तभी तो ये एनआरकी पैदा हुई है। अरे एक 71 वर्ष हो गए हमको आज़ादी के, कल हमने मनाई, अब कौन सी आज़ादी चाहिए कश्मीर में? कौन सी आज़ादी? 370 से आज़ादी हो गई। अरे आज़ादी हुई तो इसको कभी पहले अवार्ड नहीं मिला, आज मिला ना, इसको राष्ट्रपति भवन के अंदर बुला करके सम्मानित किया गया, फिर हमको हिंदू और मुसलमान के अंदर बांटने का प्रयास करना चाहते हो? ये नहीं चलने वाला है, ये मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करो तुम, हिंदुस्तानी यहाँ खड़े हैं, ये हिंदुस्तानी है, मैं हिंदुस्तानी हूँ, किसी का धर्म को लेकर के हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी मत बनाओ। लेकिन शाहीन बाग जो है वो पाकिस्तानी सोच का अड्डा बन गया। असदुद्दीन ओवैसी ने बिल की कॉपी फाड़ी थी संसद में और कहा था कि देश को मत बांटिए, गांधी जी की बातों का हवाला दिया था कि उन्होंने भी इस तरह से कॉपी फाड़ दी थी जब बांटने की बात हुई थी। अब कहीं ना कहीं एक जवाब है असदुद्दीन ओवैसी को जो समय समय पर बांटने की राजनीति करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी कोई चीज ही नहीं है जी, एक मेंबर पार्लियामेंट है, एक उसका भाई है, क्यों उसको इतना एडवर्टाइजमेंट देने का प्रयास कर रही है मैम? कुछ नहीं है वो सिर्फ अपने उसी चार कोनों के अंदर है। असदुद्दीन ओवैसी जो हिंदुस्तान को बांटने की बात करता है, अरे हम मिलकर के हिंदुस्तान को खड़ा करने की बातें कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी कुछ नहीं है, हम सब इकट्ठे मिलकर के। आखिरी सवाल करूंगी, नागरिकता की बात की गई थी, माइनॉरिटीज को नागरिकता दी गई, हालांकि यहाँ पर यह भी स्पष्ट हुआ कि पाकिस्तान के मुस्लिम्स को भी नागरिकता दी गई, ये कहीं ना कहीं भारत सरकार ने बताया। अदनान सामी को पहले नागरिकता मिलती है, अब जो है सम्मान दिया जाता है, कहीं ना कहीं तमाचा है पाकिस्तान के भी मुंह पे के देखिए जो आपके देश से ताल्लुक रखते थे हमारे देश के नागरिक हैं, हम सम्मान कर रहे हैं, तो आप हमारी माइनॉरिटीज के कैसे बर्ताव कर रहे हैं? अरे यही तो फर्क है, मैंने पहले कहा हिंदुस्तानी पाकिस्तानी कोई माइनॉरिटी नहीं, इसको पूरा अधिकार है, इसको पूरा अधिकार मिला राष्ट्रपति भवन के अंदर, तो फिर पाकिस्तान तो हमारी चोंच के बराबर भी नहीं है मैम, वहाँ हिंदुओं का क्या हाल है? हिंदू छोड़ो जी, वहाँ पाकिस्तान के अंदर रहने वाले उन पाकिस्तानियों का क्या हाल है जिनकी बच्चियों को उठा करके ले जाते हैं? यहाँ तो कोई सुरक्षा है ना, या सब सम्मान के साथ जी रहे हैं ना, यहाँ तो पाकिस्तान का नारा लगाने वाले भी चौक के अंदर बैठे हुए हैं मैम। आज उन्होंने मुंबई के अंदर एक नया चौक खोल लिया, एक और मुंबई बाग, अधिकार है ना, होना नहीं चाहिए, इनको पकड़ करके भेज दो। साफ तौर पर हमारा देश है, इसको हम बांटने नहीं देंगे, इसी एक बात के साथ ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि शाहीन बाग में जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है उसमें चुप्पी क्यों सारी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर पद्म पुरस्कार से सम्मानित तमाम लोगों को किया जा रहा है। सियासी गलियारे में कहीं ना कहीं हलचल है, लेकिन सियासत कब तक करोगे जनाब, क्योंकि देश जो है
बंटने की राजनीति पर विश्वास नहीं करता, देश जो है एक साथ रहने पर विश्वास करता है, देश जो है वो जोड़ने में विश्वास करता है, तोड़ने में विश्वास नहीं करता। इसी के साथ कैमरामैन गुलशन कुमार के साथ मैं रूहानी आप सबका।